ये भी एक सच है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे, और सबसे बड़ी नुमाइंदगी सब मुसलमानों की मौलाना आजाद करते थे और कोई दूसरा नहीं था। बंटवारे की हिमायत करने वाले और पाकिस्तान बनाने का नारा देने वालों में मिस्टर जिन्ना थे, लेकिन मौलाना आजाद मुत्तहिद हिंदुस्तान रहे, उसके सबसे बड़े सिपाही ही नहीं बल्कि सिर्फ सरदार थे। मगर हुआ क्या, हुआ क्या? बापू के पास जब सरानी गांधी खानतुल गफ्फार खान आए, रोने लगे। तकरीबन 8 फीट का शख्स रोने लगे गांधी जी के पास आकर के, बापू ये क्या किया आपने? अंग्रेजी में इतिहासकार लिखता है कि बापू यू डू, एक अंग्रेजी का बड़ा मजबूत और भारी जुमला है कि बापू तुम भी तैयार हो गए। यानी अगर किसी पर यकीन था कि कोई शख्स पूरी तहरीक में अगर बंटवारे के लिए तैयार नहीं होगा तो उसका नाम करमचंद गांधी है, बापू है। लेकिन जब बापू ही तैयार हो गए तो सब लोगों की हिम्मत टूट गई। लेकिन जानते हो बापू को तैयार कराने वाले कौन लोग थे जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती पर बैठे? उन्होंने बापू से आकर यह कहा कि बापू लोग हिंदू ये कहते हैं, लोग नहीं हिंदू ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों से डर गए, लिहाजा तारीख लिखने वाला यह भी लिखता है कि यह वो लम्हा था जब वाकई बापू डर गए और बापू ने डर कर यह फैसला लिया कि हिंदुस्तान को बांट दिया जाए। खून में नहा गया हिंदुस्तान। हमने नहीं चाहा था हिंदुस्तान बटे, हम जिम्मेदार नहीं थे हिंदुस्तान के बंटवारे के, हम तो चाहते थे मुत्तहिद हिंदुस्तान को। और आज भी अगर हिंदुस्तान बटाना होता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और कुछ और हिस्सा जो औरंगजेब ने जीता था, रंगून तक था हिंदुस्तान, अखंड भारत का नारा देने वालों वो हिंदुस्तान दो जो औरंगजेब का हिंदुस्तान था। गाली दो उसे जितनी चाहो, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, पूरी मुगल सल्तनत को गाली दो, क्योंकि मुगल सल्तनत न तो खलीफा की सल्तनत थी न इस्लामिक हुकूमत थी, कोई हमदर्दी नहीं है हमें उससे। लेकिन औरंगजेब का हिंदुस्तान तो वापस करो। लिहाजा अगर वो हिंदुस्तान आज हो और वहां के मुसलमान हिंदुस्तान में हो तो क्या नकाब का सवाल उठ सकता था? क्या लव जिहाद के नाम पर लोगों के साथ नाइंसाफी हो सकती थी? क्या इबादतगाहों के साथ यह सुलूक हो सकता था? लाउड स्पीकर का बहाना लेकर बेवजह सितम के पहाड़ तोड़े जा सकते थे? आज जो घृणा है, जो नफरत है इंसानों के बीच, मजहबी घृणा, जात की घृणा, वो घृणा नहीं होती क्योंकि दोनों भाइयों के हाथ मजबूत होते, न एक हाथ दूसरे से टकराता न दूसरे हाथ पहले से टकराता, क्योंकि वजन गलत हो फैसला गलत था लिहाजा नतीजा भी गलत होता। मगर हम जिम्मेदार नहीं, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसकी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई ईसाई पाकिस्तान नहीं जा सकते थे। हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, इसलिए कि हमारा वतन था और वतन है। गुनाह तलाश करो मेरा, पौने 4 बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन भीख मांग कर खरीदने वाला आजम खान भू माफिया कहलाए। हिंदुस्तान की गृह मंत्री ने पहले नंबर का माफिया कहा मुझे, दूसरे नंबर का अतीक मुख्तार अंसारी और तीसरे नंबर का अतीक अहमद। इन 3 माफियाओं के अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी धर्म किसी जात का कोई माफिया नहीं है। अगर है तो बस ये 3 लोग हैं। अफसोस करो और शर्म करो। यह है कानून हिंद, यह है इंसाफ। मैं माफिया हूं।
इन मुकदमों से पहले ये दो महीने में हम पर सैकड़ों मुकदमे कायम हुए, इससे पहले मेरे खिलाफ 323 का मुकदमा नहीं है, मेरी गाड़ी से किसी के खरोंच तक नहीं आई आज तक। पौने चार बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने वाला पौने चार बीघा गरीब किसानों की जमीन छीन लेगा, और जब नपत होती है दो बीघा यूनिवर्सिटी के बाहर है पौने दो बीघा जमीन, मैं कहता हूं ढूंढ लो जहां है, और नहीं मिलती है तो पैसा लो। वो लोग कहते हैं कि साहब पैसा देंगे, तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि आजम खां से ज्यादा गुराहिश करेंगे।